चलिए दोस्तों, रिसर्च की बात बहुत हो गई, अब हम ऑन ग्राउंड क्या क्या चीज़ें आपको किस फ्लो चार्ट किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो वो एक फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है। इस तरीके से हम जो है आपका एग्जीक्यूशन देंगे। अब यहाँ देखिए, ट्रैजेक्टरी प्लानिंग पे एंड नहीं हुआ है। जिस ट्रैजेक्टरी प्लानिंग कंट्रोल लास्ट टॉपिक जरूर है, लेकिन इसके आगे देखिए रोबोटिक्स ऐसी ब्रांच है जो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा सीखते जाना है, क्योंकि कोई नई चीज़ आ जाएगी, कोई नया तरीका आ जाएगा, है ना। जैसे ड्राइव्स हैं, इसको एक्चुएटर को मूव कराने के लिए ड्राइव जरूरत है, तो अभी इसके बाद जो है हम ड्राइव्स में घुस सकते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक न्यूमेटिक ड्राइव्स चलेंगी, मोटर्स कई तरीके के आएंगे, स्टेपर मोटर्स होंगे, इंडक्शन मोटर्स होंगे, ठीक है, कई चीज़ें आएंगी इस तरह। तो इसका मतलब, लेकिन ये है कि इससे आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि हम आखिर हम किस मोशन में किस तरीके से किस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, अपने स्कैप रोबोटिक सेंटर के अंडर। कुछ नोट्स का मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ, हालांकि वो जब आएंगे तो आपको ऑब्वियसली बात है पूरा कराया जाएगा। इस तरह का एक इंट्रोडक्टरी पर्सपेक्टिव होगा, पहले लॉज वॉज पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। तो ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स, हर रोबोट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। तो आप जब आओगे तो यू आर बेटर अंडरस्टैंडेबल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मैंने एक ब्रीफिंग दे दी है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें, जैसे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो निचोड़ेंगे, मैंने निचोड़ तो निचोड़ मैंने लाइब्रेरीज में बैठकर बहुत घंटों तक इसको जो है किया है। और अब मैं स्कैप रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक बैनर के अंडर में मैं अभिनव श्रीवास्तव इस चीज़ को डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो चूँकि बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को मतलब इस तरह से परसू करते हैं, मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि हमें ये भी चिंता है कि हमारे देश में जो है रोबोटिक्स का जो प्रचार प्रसार है, रोबोटिक्स एजुकेशन का, वो उतनी तरीके से हो नहीं रहा है। तो मैं इस चीज़ को मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ और इसके माध्यम से करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग का फ्यूचर रोबोटिक्स ही है, इसके अलावा कोई सिंगल इंजीनियरिंग किसी चीज़ का फ्यूचर नहीं है। आगे चल के या तो आप, बस बात ये आ जाती है, या तो आगे चल के आप जो हैं उस कंपनी में इस चीज़ की ट्रेनिंग लें पैसे देकर, या जो है आप पहले से ट्रेनिंग ले लें। जैसे कि उस पहले से लेने में आप ऑब्वियस सी बात है जो कंपनी आपसे ऑलरेडी बहुत इम्प्रेस रहेगी कि भाई आप पहले से बहुत चीज़ जानते हैं, तो हो सकता है जो ट्रेनिंग में पैसा उनका खर्च हो रहा हो वो आप वहाँ पे ट्रेनर बन जाएं और वो पैसा आपके अकाउंट में आए, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को, क्योंकि वो ट्रेनिंग देंगी उस चीज़ की उन लोगों को जिन्होंने नहीं सीखा होगा। तो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे उस चीज़ में आप बाहर निकल के आओगे कि नहीं साहब, ये जो आप पढ़ा रहे हो, ये जो आप ट्रेनिंग में बता रहे हो, ये तो मुझे आता है। तो वो आपको वहीं पर एज अ ट्रेनर हायर करके आपको क्या करेंगे, एज अ ट्रेनर रख देंगे, तो उसका एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको मिलेगा और कंपनी आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ भी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़, क्योंकि फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग इज ओनली द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, और आपको भी पता होना चाहिए कि रोबोटिक्स का जो पार्ट है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो पार्ट है वो रोबोटिक्स है। ऑटोमेशन क्या है, हर चीज़ को ऑटोमेटिक कर देना। तो सबसे सीधा और आसान जो तरीका है किसी को सिंपल करने का वो रोबोटिक्स ही है, ठीक है। क्योंकि रोबोट में एक ऐसे मैकेनिकल लिंकेज बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, आदमी के काम को आसान कर देते हैं, ठीक है। जब जो चीज़ आसान हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। भाई आदमी को सुपरविजन ना, स्काटा क्यों आया, क्योंकि आपको सुपरविजन ना करना पड़े, ठीक है, सुपरविजन ना करना पड़े इसीलिए स्काटा आया। तो हर चीज, तो मैंने बताया दिस इज नॉट अ वीडियो लेक्चर, आपको बहुत ज़्यादा इसको नोट करने और समझने की जरूरत अभी नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको कैसे कैसे पढ़ाएंगे, किन किन नोट्स से कैसे कैसे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस देखने की जरूरत है कि क्लास पढ़ाएंगे तो क्लासरूम में आपको ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, अगर आप ऐसे आप चाहो कि आप समझ लो इसी से,